ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट जो हमने सेशन लिया था पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड एमटीपीस फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट चैप्टर के जो पहले दो यूनिट्स हैं रेशियो प्रोपोर्शन, इन दैट लेक्चर आई हैव गिवन होमवर्क फ्रॉम 24 to 30। पहले मुझे बताइए 24 to 30 में कोई डाउट हो गया? आंसर आ गए? चलिए फिर भी मैं एक बार आपको टैली करवा देता हूं। सबसे पहले 24 में क्या बताया था, x वेयर इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ y। तो यहां पे कैन वी से दैट x इज इक्वल्स टू मतलब 1 अपॉन या फिर आप n या कुछ भी एज्यूम कर लो, के एज्यूम कर लो y स्क्वायर। ओके, और यहां पे आपको y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो व्हाट वी विल डू, y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। So can I say that 1 is equals to n by 4, or you can say n is equals to 4. Then value 4, x4y. So we have to reverse karna hai. x4y value kya hogi? Then the value of x4y equal to 6 will be, matlab yahan pe kya bol rahe? Value 4x question mark. If y is given at 6. ओके, वैल्यू फॉर एक्स इफ वाई इज गिवन 6। जब भी आपको बोले वैल्यू फॉर एक्स फॉर वाई 6, इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इक्वल्स टू 6। तो यहां पे हमने ये जो इक्वेशन रखा है ना, वही हम वापस रख देते हैं एक्स की वैल्यू। एन तो हमें पता चल गया, व्हाट इज दैट एन, 4। एन या के या कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, 4 बाई 36, 1 बाई 9। तो आंसर आएगा डी, 1 बाई 9। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, विच नंबर आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये अभी होमवर्क में यहां फटाफट करवा रहा हूं, ठीक है, होमवर्क है। वैसे तो आपको आ गया होगा, नॉट इन प्रपोर्शन मतलब 6 बाई 8 इक्वल टू 5 बाई 7, इट्स नॉट दैट। सो ए इज इट, या प्रोपोर्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, नहीं होगे तो इन तीनों में हो जाएंगे, चेक कर लेना। नेक्स्ट 26, फाइंड टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। अभी देखिए तीन नंबर, ओके, यहां पे वैसे तो आप रिवर्स वर्किंग से करें तो बेहतर होगा। ओके, तीन नंबर विल बी ए बी एंड सी फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहां पे मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम 18 है, तो ये नंबर्स क्या हो गए, एंड सच दैट थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन देम मतलब ए सी और थर्ड प्रोपोर्शन 144 क्या होगा। तो ये पहले दो नंबर फाइंड कर लीजिए और फिर आपको ये दो नंबर रख के थर्ड प्रोपोर्शन इन दोनों का क्या है, 144 है। समझ रहे हो? तब इसको सॉल्व करने जाएंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इफ यू गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे क्या करना है, फाइंड टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शन। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रिक, सिंपल। ओके, तो अगर यहां पे पहले आप ए से शुरू करें, 9, 18, 36 है, चेक कीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, यू कैन चेक दैट इज इट ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू है 936 में, या फिर 36 इंटू 9 का अंडर रूट करोगे 18 आएगा, सही है। तो फर्स्ट तो वो हो रहा है फुलफिल। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे 936 और 144, तो इन दोनों का टर्म जो है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो क्या 36 जो है उसका आप स्क्वायर करोगे तो 9 बाई 144 आ रहा है, इज इट। If yes, तो फिर हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो रिवर्स वर्किंग हमने किया है, यहां पे स्ट्रेट भी जा सकते हो बट स्ट्रेट थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है, हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल, ए अभी मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द टू 24 इंटू 54 अंडर रूट मीन प्रोपोर्शन ए सी, सिंपल रिवर्स करें। मतलब अभी इसको सॉल्व भी कर लेना तो भी इजी है, इसको सॉल्व कर ले तो भी इजी है, ठीक है। क्या होगा,
36. Is it? Next, triplicate ratio Q. Kitna? 64, 125. Easy, easy. 3 number are 1, 2, 3. And so that the sum of the their square is equal to 504. Abhi dekhiye, 3 number kya hai? X, 2X, 3X. Or sum of their square. X square plus 2X square plus 3X. Both number. Simple hai. Reverse stick jaye. Okay. अभी पहले ये देखिए 1, 2, 3 में है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सारे के सारे 1, 2, 3 में ही है अभी देखते हैं sum of their square 6 square plus 12 square plus 18 square चेक करें sum of their square M plus और MRC का यूज भरपूर करना है हमें ओके कैलसी पे आ रहा है फर्स्ट में ही ओके आंसर इट फर्स्ट साइट इज इट क्लियर और 30 अभी यहां पे देखना x by y equals to 2 by 3 equal to k तो इसका मतलब x equals to 2k y equals to 3k x की जगह पे 2k y 3k पुट कर दीजिए इनका प्रोपोर्शन मिल जाएगा ओके या फिर 2:3 रख दीजिए तो भी मिल जाएगा k के को साइलेंट रखे ठीक है तो यहां पे अगर आप 10 प्लस 6 is to 6 minus 3. So 16 is to 3. B. Simple. मतलब K को silent रखे. K को दिखाने की जरूरत नहीं है. हमें तो सीधा क्या चाहिए? Proportion. Ratio. Okay. तो यहां तक मैंने आपको homework दिया था. Question number 24 से लेके 30 तक. सही है? ये देखिए MTP June 22 recently आपको पूछा यहाँ पे MTP June 22 में is that clear okay और मैंने आपको last lecture में ही बताया था वो पैसे वाला question important है and अभी मेरे पास अभी paper आया June 22 का उसमें भी वो पूछा था पैसे वाला question मतलब वो प्रोपोर्शन में रखते हैं ना 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन 5 रुपी कॉइन वही आपको जून 22 में पूछा था हां चलिए अभी 31 से शुरू करें आज का लेक्चर 30 तक क्लियर है 1 टू 30 ओके इफ रेशियो ऑफ पी इज 25% लोअर देन दैट ऑफ क्यू एंड रेशियो ऑफ आर इज 20% हायर देन क्यू अभी देखिए यहां पे The ratio of salary of R and P will be 5:8, 8:5, 5:3, 3:5. अभी समझना, यहाँ पे solve करना जरूरी होगा, ठीक है? Reverse trick से बेहतर है solve करना. एक बात बताइए, ये दोनों यहाँ पे तीन आइट, they have given three things, P, Q, R. Okay. अभी P और Q की comparison थी, R और Q की comparison थी और बाद में बोला R और P का ratio बताइए. तो यहां पे ये दोनों बेस्ड ऑन क्यू कितने हैं वो तो पता है मतलब पी जो है वो क्यू से 25% लोअर है और क्यू आर जो है वो 20 क्यू से 20% हायर है तो क्यों ना क्यू को ही हम 100 अज्यूम कर लें लेट्स अज्यूम क्यू इक्वल्स 200 हम क्या करें क्यू को 100 अज्यूम कर लेते हैं ठीक है अभी क्या होगा पी क्या है क्यू 100 है उससे 25% लोअर है मतलब ये 75 होगा पी नंबर कोई भी अज्यूम करो 100 सिंपलिसिटी के लिए किया है क्योंकि 100 का सीधा ही 25% इजी पड़ेगा ठीक है और आर क्या है 20% हायर देन क्यू ये नंबर आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो या एक्स अज्यूम कर सकते हो कुछ भी अभी रेशियो किसका पूछा है रेशियो किसका पूछा है पी आर का आर पी का आर is to p 120 is to 75 अभी इसको सिंपलीफाई करते जाओ सिंपलीफाई करते जाओ 15 8 जा 15 5 जा 8 is to 5 आंसर b इज दैट क्लियर हो गया सिंपल
Next, 32. A person has asset worth rupees 1,48,200. He wished to divide among his wife, son, and daughter in the ratio of 3 to 1. Total 6, 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6. चलिए डिवाइड कर दीजिए तीनों को 148,200 वाइफ को कितना मिलेगा सन को कितना मिलेगा डॉटर को कितना मिलेगा इसको 3, 2, 1 में डिवाइड कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन 74,100 वाइफ को ओके सन को कितना मिलेगा 49,400 और डॉटर को कितना मिलेगा 2,700 अभी क्या पूछा है फ्रॉम दिस एसेट शेयर ऑफ ओके सिर्फ सन का ही पूछा है तो डायरेक्टली 2/6 सन का कर देते तो भी चलता नो इश्यूज विद दैट बी 49,400 ओके इज दैट क्लियर चलिए नेक्स्ट 33 For 3 months, salary of a person are in the proportion of 2, 4, 5. Matlab, can I say it? This like this. First month, second month, and third month. Salary will be in proportion of first month, second month, and third month. Salary is in proportion of 2x, 4x, 5x. Is it? The difference between the product of salary of first 2 months. Okay. Difference between the product of salary of first 2 months. Product of. हाँ 2:4 4:5 ऐसा भी लिख सकते हैं हाँ बट फिर भी आप करोगे क्या क्योंकि सॉल्व कैसे करोगे हाउ विल सॉल्व ओके अभी बोला क्या है समझना द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करें 2x into 4x इसका द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months एक बात समझना जब भी आप डिफरेंस करें ना तो आपको क्या करना है जो हायर डिफरेंस है उसमें से लोअर माइनस करना है लोअर में से हायर माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना और सैलरी नेगेटिव में नहीं हो सकती ना आर यू गेटिंग दिस तो यहां पे और यहां पे आपको पॉजिटिव दिया है तो हम क्या करेंगे 2x into 4x ये फर्स्ट 2 months की सैलरी है और लास्ट 2 months 4x into 5x इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4,80,00,000 ओके डिफरेंस कितना आ रहा है 4,80,00,000 तो अभी क्या करना है हमें फाइंड क्या करना है सेकेंड मंथ की मतलब 4x की वैल्यू चाहिए सेकेंड मंथ की सैलरी क्या तो सिंपल है अभी यहां पे आपको क्या करना है 20x² - 8x² = 4,80,00,000 ओके अभी यहां पे 12x² = 4,80,00,000 4,80,00,000 को 12 से डिवाइड कीजिए 40 लाख और उसका अंडर रूट कीजिए तो ये एक्स की वैल्यू आई 2000 अभी समझना ये 2000 आंसर नहीं है 2000 क्या है एक्स हमें क्या चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ सेकेंड मंथ की सैलरी तो क्या मिल जाएगी सेकेंड मंथ की सैलरी 2,000 × 4 = 8,000 इतना क्लियर है अभी आप बोलो सर ऐसा क्लिक ना हो तो कैसे करेंगे ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है तो मतलब क्लिक होना चाहिए
कि ऐसे आपको करना है लास्ट टू मंथ्स माइनस फर्स्ट टू मंथ्स, बट मुझे रिवर्स पिक से करना है, आई डोंट नो अबाउट स्ट्रेट कैलकुलेशन कि क्या फॉर्मूला रखनी है, मुझे यहाँ पे रिवर्स वर्किंग पे जाना है, तो सिंपल क्या करें, आपको ये आंसर में क्या दिया है, ये आंसर में क्या दिया है, सेकेंड मंथ की सैलरी, सेकेंड मंथ की सैलरी, तो यहां पे 4 की जगह पे आपको ये 4000 रखना है, तो प्रोपोर्शन 4 पे 4, 2 पे 2, 5 पे 5, अभी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या 4,80,00,000 आ रहा है, कैलसी पे सीधा ही हो जाएगा, कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स वर्किंग से जाओगे आसानी से हो जाएगा, ये तो मैंने आपको स्ट्रेट कैलकुलेशन करके बताया कैसे करना है, अभी वो डिफरेंस 4,80,00,000 नहीं आ रहा है क्योंकि आपका आंसर ए नहीं है, ओके चलिए ए तो गलत आंसर है, ये समझ में आया क्या किया हमने, फिर करके बताऊं मैं आपको अलग से, ओके हाँ, तो अभी 4 तो आंसर नहीं है हमारा सही, ठीक है चलिए 6 करते हैं, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 6000, 4 पे 6, 2 पे कितना 3, 4 पे 6, 5 पे कितना, प्रोपोर्शन करें, प्रोपोर्शनेट करना आता है, मतलब अगर 4 पे 6000 हुआ तो 5 पे कितना, 5 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 4, आप ऐसे त्रिराशि मुक्त हो ना, अभी देखिए यहां पे मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये 33 राइट, चलिए एक तो पहले ऐसे किया हमने, समझ में आया आपको बराबर है, अभी हमने क्या किया, रिवर्स ट्रिक से जाते हैं, रिवर्स ट्रिक से 4000 2:4:5 ये रेशियो है, यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकेंड, तो एक 4000, अभी 4 पे 4000, 2 पे 2000, 5 पे 5000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस करिए, क्या 4,80,00,000 आ रहा है, नो, तो आंसर ए नहीं है, बी 2:4:5, ठीक है, यहां पे क्या करना है 6000, अभी देखिए 4 पे 6 है तो 5 पे कितना, तो यहां पे क्या करेंगे 5 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 4, इज दैट क्लियर, ओके तो 5 पे कितना आएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करें, क्या 4,80,00,000 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, सी, सी में 8000, अभी देखिए 2:4:5, 4 पे 8, 2 पे कितना 4, राइट, 5 पे कितना 10, ये 8000 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस करें, 4,80,00,000 आ रहा है, इफ यस देन 8000 इज आर आंसर, मतलब ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसे मतलब लिख रहा हूं, इसलिए आप कैलसी पे करोगे ना फटाफट हो जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगी यहां पे ये सॉल्व करने में, ठीक है, या फिर मैंने जैसे ये स्ट्रेट कैलकुलेशन किया वैसे भी कर सकते हो, इज इट क्लियर, ओके आइदर ऑल, 33 हो गया, 34 ऐसा तो हमने इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में किया था, याद है देखिए ये मॉड्यूल में एग्जांपल नंबर 3 था, टी को मिक्स किया 6.92 7.77 पर केजी के हिसाब से, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस 8.8, प्रॉफिट आ रहा है इतना, तो आपने इन दोनों टी को किस प्रपोर्शन में मिक्स किया होगा, तो यहां पे डिटेल में हमने कैलकुलेशन किया था स्ट्रेट अवे जाके, चलिए यहां पे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करेंगे,
चलिए अभी एक स्ट्रेट कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, रिवर्सटिक पे जाना है तो इजी हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक से, नॉर्मल वर्किंग से बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हम क्या करेंगे रिवर्सटिक से जाएंगे, ओके। वैसे वो एग्जांपल में भी कई एक दो स्टूडेंट को डाउट था तो यहां पे ले लेता हूं मैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे पहले हम अभी आंसर भूल जाइए कि आपको ऑप्शन दिए, आपको सीधा ही प्रोपोर्शन चाहिए कि क्या है, दोनों किस प्रोपोर्शन में हम मिक्स कर रहे हैं, ओके। अभी स्ट्रेट कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ रहे, रिवर्सटिक तो बाद में बता दूंगा मैं, इजी है, आसान है, उल्टा। तो यहां पे हम राइस मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक जो राइस है, राइस वन, उसकी प्राइस है 13.84 पर केजी, ओके। और दूसरे राइस है जो वो है 15.54 पर केजी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है कोई तो प्रोपोर्शन में, और ये मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर जो है वो हम सेल कर रहे हैं, और सेल कितने में कर रहे हैं, 17.6 पे। सेलिंग प्राइस क्या है, 17.6 पर केजी इस मिक्सचर की। और यहां पे आपको बोला है प्रॉफिट ऑन सेल, अब देखिए ऑन सेल और ऑन कॉस्ट में ध्यान रखना, अभी ऑन सेल है, अच्छा है, सही है, क्योंकि स्टेट दे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और प्रॉफिट किस पे है, सेल्स पे, कितना, तो 17.6 सेल प्राइस है, उस पे प्रॉफिट कितना आप जोड़ रहे हो, 14.6%। तो कितना प्रॉफिट होगा आपका, सॉरी परसेंटेज 17.6 का 2.56 माइनस कीजिए तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट पर केजी, ये क्या होगा पता है, हाँ डिफरेंस कीजिए पहले 15.03, ये 2.56 परफेक्ट दिया है क्या, हाँ तो नहीं नहीं मुझे पूरा डेसिमल दो, 96 हाँ तो फिर पूरा आंसर दो, 4 के बाद मतलब डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स लेना है क्योंकि परफेक्ट आंसर चाहिए, क्या होगा 15.0304, इज इट क्लियर, ओके। अभी ये क्या हुआ पता है, ये मिक्सचर का कॉस्ट, ये दोनों मिक्सचर का कॉस्ट, अभी हमें ये दोनों को किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है कि कॉस्ट इतनी आएगी, तो लेट अस अज्यूम राइस का प्रोपोर्शन जो है क्वांटिटी में एक्स, अभी ये दोनों हम 1 kg मिक्स कर रहे हैं, अभी ये क्या है पर केजी का प्राइस है, टोटल दोनों का कितना होगा क्वांटिटी टर्म्स में, इन दोनों की क्वांटिटी टोटल टर्म्स में कितना होगा 1 kg, 1 kg में मान लीजिए राइस 1x, तो राइस 2 क्या होगा 1 kg माइनस एक्स या फिर 1 - x, इतना क्लियर है, अभी देखिए प्रोपोर्शन तो आसानी से समझ में आ जाएगा, प्रोपोर्शन करना है तो इसका भी शॉर्टकट है, अभी ये दोनों जो है केजी वाइज डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस का प्रोपोर्शन लीजिए, प्रोपोर्शन मिल गया आप, बट मुझे आपको प्रोपोर्शन नहीं, मुझे आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करके देनी है कि क्या क्वांटिटी आप मिक्स कर रहे हो, इसलिए मैं डेप्थ में जा रहा हूं। इतना समझे कि राइस जो है मुझे 2 राइस टोटल 1 kg करना है, अब इट में हैपन 600 ग्राम 400 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम 500 ग्राम हो सकता है, मतलब 0.5 kg 0.5 kg, इट में भी 0.6 kg 0.4 kg, इट कैन बी एनी, पता नहीं कितना, वो तो फाइंड करना है। तो मैंने एज्यूम किया कि टोटल दोनों मिला के 1 kg है, उसमें से मान लीजिए ये एक्स केजी है तो ये 1 - x होगा क्योंकि दोनों का टोटल तो 1 kg होने वाला है। अभी उसको मैं वाई एज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि दो दो वेरिएबल फिर आप फाइंड कैसे करोगे, अगर मैं यहां पे x एज्यूम कर लू उसको y एज्यूम कर लू तो एक्स वाई फाइंड कैसे करोगे, मुझे एक ही फिगर रखना है x, वो एक ही वेरिएबल रखना है x, तो ये x है तो ये क्या होगा, दोनों का टोटल पता है 1 kg क्योंकि यहां पे कॉस्ट क्या है पर केजी में,
मतलब दोनों की क्वांटिटी का टोटल कितना है 1 kg, तो ये क्या होगा राइस टू 1 माइनस एक्स के जी, तो भी एक्स क्या हमने एज्यूम किया है राइस 1 जो है उसका क्वांटिटी, इतना समझ में आया। अब यहां पे दोनों मिक्स करके 1 kg आप कितने में बेच रहे हो 17.6, उस पे आप प्रॉफिट इतना अर्न कर रहे हो, मतलब कॉस्ट कितना होगा 15, ये 15 क्या है एवरेज कॉस्ट है दोनों की, ये 15 क्या है दोनों की एवरेज कॉस्ट, और यहां पे आपको कॉस्ट दिया है राइस 1 की कॉस्ट क्या है राइस 2 की कॉस्ट क्या है। तो अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं ये 500 ग्राम ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा 13.84 kg into 500 ग्राम प्लस मतलब 0.50 और 15.54 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 टोटल आएगा मेरी एवरेज प्राइस। यहां पे मेरी एवरेज प्राइस कितनी आ रही है 15.0304 इज इट, तो यहां पे हम क्या करेंगे राइज 1 13.84 केजी और इनटू एक्स प्लस ये है 15.54 पर केजी इनटू 1 माइनस एक्स, इन दोनों की एवरेज प्राइस क्या होगी, मतलब इन दोनों का अगर आप ये हाफ केजी ये हाफ केजी है तो एवरेज क्या होगा ये वाला, अगर 400 ग्राम है तो अगेन इतना आएगा, प्रोपोर्शन हमें नहीं पता कितना है इसलिए हमने क्या एक्स एज्यूम किया, तो यहां पे सिंप्लीफाई करें 13.84x प्लस 15.54 माइनस 15.54x इक्वल टू 15.0304। अभी देखिए फिगर को एक जगह पे ले लेते हैं, एक्स को एक जगह पे ले लेते हैं, ठीक है 15.54 माइनस 15.0304 इक्वल टू 15.54x, उधर चला गया नेगेटिव पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, डिफरेंस लीजिए कितना होगा 0.5096 और यहां पे 1.6, तो x की वैल्यू क्या होगी 0.5096 अपॉन 1.7, तो ये x की केजी में क्वांटिटी मिलेगी आपको कितना पॉइंट, हाँ मतलब 0.3 इन शॉर्ट, ये हमने क्या किया राउंड अप 0.30, मतलब 0.30 केजी हुआ x, तो अभी ये राइज 1 कितना हुआ 0.30 केजी, तो राइज 2 कितना होगा 1 माइनस 0.30 मतलब 0.70 केजी, तो ये 300 ग्राम है ये 700 ग्राम है, रेशियो होगा 3:7, आंसर आएगा ए। ओके अब आप बोलो इतना लंबा कौन करेगा, थोड़ा शॉर्ट कट दीजिए, स्टेट कैलकुलेशन में भी शॉर्ट कट, ओके क्या अभी यहां पे आपको एक्स वाई एज्यूम नहीं करना है, यहां पे आपको एक्स वाई एज्यूम नहीं करना है, तो यहां पे इतना क्लियर है पहले, एक काम कीजिए ये 15.54 माइनस 15.0304 करे, यहां पे राइस 2 की वैल्यू कॉस्ट क्या थी 15.54 और यहां पे 15.0304 इन दोनों का डिफरेंस करे कितना आ रहा है 5096 और इन दोनों का डिफरेंस करे 13.84 और 15.0304 का, अभी इन दोनों का रेशियो करना है, अभी इन दोनों का रेशियो करना है, या तो आप इन दोनों का रेशियो करें 3:7 हो जाएगा, ओके या फिर एक और शॉर्टकट बता देता हूं मैं आपको, कितना लंबा कौन करे रिवर्स ट्रिक विच इज वेरी सिंपल, क्या यहां तक तो पता है कि दोनों को मिक्स करना है, सेलिंग प्राइस 17.6 आ रही है, प्रॉफिट इसमें से माइनस किया कॉस्ट आएगी 15.30304, इतना क्लियर है। अभी हमें क्या करना है इन दोनों को मिक्स करना है, मतलब 13.84 ओके अभी 1 केजी है रेशियो क्या है 3:7 मतलब 0.3 प्लस 15.54 इंटू 0.7 इन दोनों की एवरेज क्या 15.0304 आ रही है चेक करो, अगर हां तो ये हो गया आपका आंसर ए।
इज इट आ रहा है नहीं आ रहा है एलसी पे बहुत टाइम पास नहीं करना है सिंपल करना है 13.84 इंटू 0.3 एम प्लस 15.54 इंटू 0.7 एमआरस एम प्लस करके एमआरस ही करे 15.0304 आ रहा है सही है मतलब रिवर्स ट्रिक से हो जाएगा आसानी से बट यहां तक तो आपको सी अभी आप कोई भी ट्रिक करें ये क्वेश्चन में यहां तक तो आपको करना ही करना अगर आप यहां तक नहीं जा पा रहे हो देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यहां तक तो सॉल्व करना ही करना है एक्स वाई एज्यूम ना करें और नॉर्मल ट्रिक पे कैलकुलेशन भी ना करें चलेगा नो इश्यूज आप रिवर्स ट्रिक पे जाए बट आपको ये जो फिगर है वो तो पता होना चाहिए ना समझ रहे हो तो आंसर ए क्लियर है ओके एवरीबॉडी चलो नेक्स्ट 35 15 2p square minus q square is equals to 7pq, where p and q are positive. चलिए वो pq positive number ये दोनों ठीक है. Then pq p is to q will be. अभी देखिए अगर आप normal तरीके से solve करेंगे normal trick, okay? तो वहाँ पे क्या होना होगा? See to it. इसको पहले simplify करें. 15 2p square माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7pq अभी 30p स्क्वायर माइनस 15q स्क्वायर इक्वल टू 7pq 7pq इधर ले लेते हैं 30p स्क्वायर माइनस 5 ये क्यू स्क्वायर है ना हाँ तो यहां पे होगा 7pq माइनस 15q स्क्वायर इक्वल टू 0 अभी यहां से क्या होगा पता है ये हो गया आपका इक्वेशन अभी हमने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है इक्वेशन इसलिए आगे आपको सॉल्व करना नहीं आएगा सॉल्व हो जाएगा ऐसे तो ओके बट यहां पे आपने 30p स्क्वायर किया अभी मुझे 7pq के ऐसे दो पार्टीशन चाहिए कि 30 15 का मल्टीप्लिकेशन हो और दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन 7 हो ओके तो ये नॉर्मल ट्रिक में आप कर पाओगे बट इक्वेशन चैप्टर होने के बाद फिलहाल तो नहीं कर सकते ओके ओके ठीक है चलिए तो आगे जाके आपको इक्वेशन आ जाएगा सो डू नॉट वरी फॉर द सेम और ये हम नॉर्मल तरीके से भी कर पाएंगे नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और उसका प्रपोर्शन कर दोगे तो आपको वो प्रोपोर्शन मिल जाएगा सीधे ही ओके चलिए नॉर्मल ट्रिक को साइड में रखते हैं अभी फिलहाल क्योंकि हमें इक्वेशन चैप्टर नहीं पता है अभी जिसको पता है वो आगे कर सकता है बट मान लीजिए मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं आपको नहीं पता है आगे चैप्टर आपने नहीं किया है ओके तो यहां पे एक रिवर्स ट्रिक भी है ओके रिवर्स ट्रिक क्या है सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया था ये P और Q का रेशियो अगर से फॉर एग्जांपल A है 5/6 तो मैं क्या कर दूं ये 5K और 6K अभी K को मैं साइलेंट में रखना क्योंकि K की मुझे झंझट नहीं चाहिए ठीक है तो P की जगह पे 5 Q की जगह पे 6 रख देते हैं वैसे तो हमें मैंने आपको पहले भी बोला यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि नहीं P की वैल्यू 5 है वैल्यू 5 नहीं है वो 5X या 5K है ये 6X या 6K है कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई कर रही है पता नहीं तो उसको साइलेंट ही रखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं यहां पे 15 टू 5 स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर 6 स्क्वायर 7/5/6 अगर ये सही है तो आंसर एट फर्स्ट साइट मिल गया समझ रहे हो सीधा आपको पूछा है पी इज टू क्यू इक्वल्स टू 5:6 तो मैं पी की जगह पे 5K क्यू की जगह पे 6K अगर आप ले सकते हो ठीक है चलिए सिंप्लीफाई करें 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50 माइनस 36 इंटू 15
और 7 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल इक्वल, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल है, तो आंसर ए, वेरी सिंपल। सॉरी कौन सा वाला, ये वाला क्या, ये 5 स्क्वायर, क्या ये वाला नॉर्मल नॉर्मल तरीके, हाँ इक्वेशन में होगा, हाँ तो भी करना है ऐसा बोलो, ठीक है। 13 टू 15 करो कितना होगा, 450 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं आपको तो माइनस 7 मिले, मतलब 450 के ऐसे दो टुकड़े जिसका मल्टीप्लिकेशन 450 हो और प्लस माइनस जो है वो 7 हो, तो करते रहिए ट्रायल एरर से। 25, 18 आ रहे हैं, ओके सही है। 30p² माइनस 25pq प्लस 18pq, अभी देखिए माइनस 25 पॉजिटिव 18 ओके, और ये नेगेटिव 45 हो गए, 450 होगी, क्यों नेगेटिव, ये 15 नेगेटिव है ना, तो माइनस 15q² इक्वल्स टू 0। अभी क्या करते हैं, कॉमन 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 निकालते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 5p ओके 5p कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा 6p माइनस 5q ओके, यहां पे कुछ कॉमन निकालते हैं 3q 6p माइनस 5q इक्वल टू 0। अभी 6p माइनस 5q कॉमन और यहां पे 5p प्लस 3q इक्वल टू 0, तो अभी यहां पे बता सकते हैं 6p माइनस 5q इक्वल टू 0, 5p माइनस सॉरी प्लस 3q इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगा, 6p इक्वल टू 5q, p बाई q इक्वल टू 5/6, 0 है ना, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस 5q तो 5q, ये नहीं एज्यूम नहीं किया, ये दो हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, आइदर और 0 ही है, ठीक है। अभी यहां पे करें तो ये p बाई क्यू कितना आ गया, 5/6 ओके, यहां पे 5p 3p इक्वल टू नेगेटिव 3q, तो p बाई क्यू इक्वल टू नेगेटिव 3/5, नेगेटिव तो नहीं बोला उन्होंने, बोला नेगेटिव नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो भी आंसर क्या पॉसिबल है हमारा, 5/6 ये वन नॉर्मल तरीका। बट ये क्या है, अभी इक्वेशन आपको नहीं पता है, इसलिए अभी ये बाइफरकेशन, आगे जाके हम इक्वेशन में लर्न करेंगे, सो डू नॉट वरी फॉर द सेम ओके, बट फिर भी यहां पे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है 5/6, क्लियर है। रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू 1230 टू मीन प्रोपोर्शन, अब देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये 1230 और सी, ये थर्ड प्रोपोर्शन हुआ, इस सी का रेशियो और मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9b 25, अभी इन दोनों का रेशियो छे, तो ये सी और बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको इजीली, कैसे, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, तो यहां पे बी तो पता है 30, स्क्वायर कर दो, क्यों अंडर रूट की कोशिश कर रहे हो, 30² = 12c, तो c की वैल्यू क्या होगी, 30² / 12 सॉरी 75, c की वैल्यू मिल गई। अभी यहां पे b अंडर रूट 9 × 25, यहां पे अंडर रूट हो जाएगा इजीली 15, तो अभी आपको सी रेशियो कैसे है समझना, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये c टू ये सेकेंड मीन प्रपोर्शन मतलब 75/15 मतलब 5/1 आंसर बी। ये मिक्स नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो ना, ये लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यू हुआ था यहां पे, क्लियर। चलिए
37. What number must be added to each number to make number proportionate? Simple, अभी ये proportionate नहीं है. Proportionate मतलब 10 by 18 must be equal to 22 by 38. ये नहीं होगा. अभी यहां पे कॉमन नंबर ऐड करना है. ओके okay, पहले आप रिवर्स ट्रिक से ट्राई करें. ए प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू चेक करें. 12 बाई 20 इक्वल टू 24 बाई 40. इज इट इक्वल? इज इट इक्वल 12 बाई 80? 12 बाई 20. सो पॉइंट सिक्स, पॉइंट सिक्स प्रपोर्शन हो गया. आंसर ए एट फर्स्ट साइट. प्रपोर्शन में क्या होगा? ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, तभी तो प्रपोर्शन होगा. या फिर आप ऐसे कर दो ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाय इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मतलब यहां पे क्या बोला, ये प्रपोर्शन में नहीं है. अब आप पहले आप चेक कर लो, 10 बाई 18 22 बाई 13 ये प्रपोर्शन में नहीं है. अभी आपको क्या बोला, फॉलोइंग नंबर में से ये नंबर जो है 2 या 4 या 8 उसको चारों में ऐड करें तो किस नंबर से ऐड करने से ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे. तो 2 से हमने ऐड करके देखा, प्रोपोर्शन में आ गया, आ गया तो आंसर आ गया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 38. ये डिसंबर 16 का या जून 15 और डिसंबर 16 के बीच का होगा कहीं पे. तो चलो एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट द बिजनेस. ठीक है, एक्स इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज वाई इन्वेस्ट एंड वाई इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट जेड इन्वेस्ट, देन रेशियो ऑफ. रेशियो ऑफ देखिए, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बता देता हूं, नॉर्मल ट्रिक, फिर हम रिवर्स ट्रिक पे जाएंगे. ओके, नॉर्मल में क्या करना है, एक्स जो है वो वाई का 3 टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैन आई से दैट एक्स जो है मस्ट बी इक्वल टू 3y, और वाई जो इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज 2/3 ऑफ दैट, तो कैन आई से दिस वे. और कभी भी मुझे कंटिन्यू प्रोपोर्शन चाहिए तो कैसे मिलेगा, एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई बाई, मतलब एक्स वाई वाई बाई जेड, और ये दोनों इक्वल हुए तो मैं एक्स इज टू वाई इज टू जेड कर पाऊंगा आसानी से. तो यहां पे देखें, एक्स बाई वाई इक्वल टू 3 बाई 1 ओके. अभी यहां पे देखिए, वाई बाई जेड इक्वल टू 2/3 नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है. इक्वल करो मतलब यहां पे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x by y हो जाएगा 6/2, y by z होगा y 3, रेशियो होगा x y z. रेशियो क्या होगा बताइए मुझे आप, 6:2:3 ऐसा कुछ है, 6:3. डी इज द आंसर. ये नॉर्मल तरीका हुआ. हाँ तो जब इक्वल टू साइन पुट करेंगे तो कैसे होगा समझना. आप क्या बोल रहे हो, एक्स इन्वेस्ट वाई का 3 टाइम्स, तो कहने से दैट अगर वाई जो है वो 100 कर रहा है तो एक्स कितना होगा, 300, ऐसा बोल रहे हो आप. हाँ ओके, अभी आप क्या बोल रहे हो, वाई इक्वल टू, हाँ तो y कितना 100, x कितना 300, तो इक्वल होगा नहीं होगा. हमें क्या करना है, रिवर्स, मतलब रिवर्स करना होगा. यहाँ पे प्रोपोर्शन ऐसे दिया ना, तो यहाँ पे आप करो x इंटू 3y, अभी करो 300 हो गया. मतलब जब आपको बोले ना x जो है वो y का 3 टाइम्स है, तो x 1 है y 3 है वो सही, बट जब आपको इन बिटवीन इक्वल टू साइन रखनी है तो मुझे x और y को इक्वल करना होगा, तब क्या करूंगा मैं, y 3 टाइम्स होगा तब एक x का इक्वल होगा. समझ रहे हो, सही है.
अभी आप बोलोगे नॉर्मल ट्रिक नहीं, रिवर्स ट्रिक पे जाना, इसमें भी पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल? रिवर्स ट्रिक कैसे करेंगे? अभी समझना, समझना, ए है 3:9:2, मतलब एक्स वाई जेड। अभी यहां पे क्या बोला, एक्स है वो वाई का कितना है, एक्स वाई का कितना है, 3 times लग रहा है यहां पे, 3 times देखिए उल्टा लग रहा है, वाई एक्स का 3 times हो गया, तो ए आंसर नहीं है। ओके, बी 6:3:2 एक्स वाई जेड। अभी देखिए यहां पे पहले ही एक्स जो है वो वाई का 3 times लग रहा है, नहीं लग रहा है, सी 3:6 नहीं लग रहा है, 3:6 डी 6:2:3। अभी समझना, एक्स जो है वो वाई का 3 times सही है, फिर वाई क्या बोला, वाई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है जेड का 2/3, तो 3 है जेड उसका 2/3, 3:3 कैंसल, कितना आया 2 हो रहा है, हा मतलब डी सही है। इससे भी एक आसान तरीका आप ये भी कर सकते हो, बट उसमें क्या हो, आप किसको एज्यूम कर रहे हैं ना, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, क्यों? क्योंकि अभी देखिए एक्स जो है वाई का 3 times, वाई जो है वो जेड का 2/3 है, तो जेड को 3 एज्यूम करोगे तो बेहतर रहेगा। ओके, जेड को क्या 3 एज्यूम करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो 2/3 है ना, तो 3 एज्यूम कर ले तो वाई 2 आएगा, 2 का 3 times वो 6 आएगा, तो वैसे भी हो सकता है स्ट्रेट में। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ 39, यहां पे डी में आंसर क्या है 14। चलिए अभी वो रुपए रुपए वाला क्वेश्चन आया, टोटल रुपीज इज 23 कॉइन्स ऑफ, सॉरी टोटल नंबर 23 कॉइन्स है, नंबर्स ना, नंबर्स रुपी 1 रुपी 2 रुपी 5 इन अ बैग, उसकी वैल्यू कितनी है 43। द रेशियो ऑफ कॉइन ऑफ 1:2 इज 3:2, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन विल बी। अभी यहां पे समझना क्या, पहले अगेन मैं आपको नॉर्मल ट्रिक से करवाता हूं, फिर हम रिवर्स ट्रिक से भी जा सकते हैं यहां पे। यस, नॉर्मल में क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था वहां पे कॉइन था 1 रुपी 0.50 0.25, यहां पे 1 to 5 है, समझना। Let us assume कि 1 rupee का coin कितना है x, number of 1 rupee coin is x, तो उसको 1 से multiply करेंगे plus, ये 1 से क्यों multiply किया, मुझे number of coin नहीं चाहिए, मुझे इनका total चाहिए rupee term, किस term में चाहिए, rupee term। okay, 2 rupee coin जो है वो कितना होगा, अगर ये x है टू रुपी कॉइन, तो ये 2x हो गए, 2 rupee कॉइन कितने हो गए 2x। ओके, जस्ट अ मिनट, यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए 23, और इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2, नॉर्मली हमें आगे एक सम में तीनों का रेशियो दिया था, तो मैंने वहां पे क्या एज्यूम किया था, जो रेशियो था उसमें x कंसीडर कर लिया,
फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 दिया है तो आप क्या करोगे 2x, 3x, 5x ओके वो हुए नंबर्स, उसको जो भी वैल्यू है 1 रुपए की 1, 2 रुपए की 2, 5 रुपए की 5, 50 पैसे की हाफ, 25 पैसे की 1/4 वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू आ 43। बट यहां पे तीनों का रेशियो नहीं दिया है, क्या करेंगे? यहां पे तीनों का रेशियो आपको नहीं दिया है, क्या करेंगे? अगर मुझे स्ट्रेट अवे तीनों का रेशियो मिल जाता मेरे लिए आसान हो जाता। मतलब किया है ना हमने ऐसे क्वेश्चन, कौन सा वाला था? हाँ देखिए यहां पे ये तीनों का प्रोपोर्शन दिया 3, 4, 2 इवन एमटीपी अक्टूबर 20 में, तो मैंने क्या किया 3x, 4x, 5x एज्यूम कर लिया, बट वो तो नंबर ऑफ कॉइन हुए ना, उसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 रुपए 1, 50 पैसे हाफ और 10 पैसे 1/10 तो हमने 1/2 और 1/10 से मल्टीप्लाई किया और आपको रुपए दिए थे 187, तो एक्स की वैल्यू मिल गई और एक्स की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, मतलब एक्स की वैल्यू आपको मिली फिर उसको 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो तो सही था कि वहां पे आपको तीनों प्रोपोर्शन दिया था। ऐसा एक और क्वेश्चन हमने देखा था आगे, वहां पे आपको क्या दिया था, हाँ यहां पे भी प्रोपोर्शन दे दिया था, ये डबल है ये 4 times है, तो वैसा करके आपको रेशियो मिल जाता है, मतलब यहां पे भी रेशियो तो दिया था। ये क्वेश्चन में कुछ नया लेके आए, क्या तीनों का रेशियो नहीं दिया है? अरे तीनों का नहीं दिया है तो क्या हुआ, दो का तो दिया है ना। और एक और बात, क्या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो दे दिए ना, अब तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं दिए थे, समझ लो। तो यहां पे मेरे पास रुपी वन के रुपी टू के सॉरी यहां पे नहीं करना है सो मेरे पास रुपी वन के रुपी टू के और रुपी फाइव के कॉइंस पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल 23। तो रुपी वन और रुपी टू का रेशियो क्या है, 3:2, तो कैन आई से दैट मुझे तीनों का रेशियो भले ही ना दिया हो, दो का तो दिया है, तो कैन आई से दैट रुपी वन 3x है रुपी टू 2x, कैन आई से दैट वे। तो ये रुपी फाइव कितना हुआ, कितना हुआ, मुझे पहले नंबर से ये नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर वो मिल गए आपको वही तो फाइंड करना है ना, रुपी वन के नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए। अभी देखिए यहां पे टोटल 23 कॉइन्स हैं, तो इसको वाई मत बोलना वरना फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे। हाँ ये दोनों का टोटल कर दें नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां पे रुपी फाइव के कॉइन मिल जाएंगे, कैसे, तो रुपी फाइव कॉइन्स इक्वल्स टू 23 कॉइन माइनस 5x, मतलब सब सभी नंबर ऑफ कॉइन को हमने x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। हाँ अब जाके हमें क्या करना है समझना, अभी हमें क्या करना है, रुपी वन जो है वो तो वन ही है, वन तो वन ही होगा, उसके नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 3x, रुपी टू जो है तो 2 रुपी होगा, उसका नंबर ऑफ कॉइन है 2x, रुपी फाइव वो तो फाइव ही होगा, उसके नंबर ऑफ कॉइन्स है 23 माइनस 5x, टोटल रुपीज हो गए 43। ये इक्वेशन समझ में आया, यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, ऐसे ही करेंगे ना, कैसे करेंगे, और सभी का समेशन क्या आना चाहिए 43 रुपीज। सर ऐसे कैसे 125 को मल्टीप्लाई किया, अरे तो आगे के क्वेश्चन में क्या कहता था, 1 रुपए में 1, 50 पैसे में हाफ और यहां पे 70 मतलब 25 पैसे में हमने क्या किया था 1/4 या फिर 10 पैसे में हमने क्या किया था 1/10, तो जब 5 रुपीज हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रुपी का कॉइन हुआ 2 रुपी से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 रुपी का कॉइन हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये एक्स एक्स है, ये है नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस समझे,
सिंप्लीफाई दिस 3x 4x इसको मल्टीप्लाई करें 115 25x इक्वल टू 43 रुपीस। अभी यहां पे 115 माइनस 43 और यहां पे 25x माइनस 7x तो क्या होगा सिंप्लीफाई डिफरेंस x इक्वल्स टू 4 ओके। अभी x 4 मिल गया तो कॉइन 1 के कितने हो गए 12 तो हमें क्या चाहिए ए 1 की कॉइन चाहिए ना आंसर ए। अभी मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में गया हूं अगर आपको ये फटाक से समझ में आ जाएगा तो इजीली हो जाएगा ओके। देख लीजिए एक बार कोई डाउट है तो बताइए पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए और कोई डाउट है तो बताइए। चलिए क्लियर है सॉरी 35 तो हो गया 35 बाकी रह गया कहां पे नहीं नहीं हमने किया ना ये पी क्यू वाला जो किया वही है 35 सॉरी लिखने का हाँ लिख लो Is it done? Okay. ये मैंने ऐसे एबीसीडी को वर्टिकल में इसीलिए लिखा है कि आप थोड़ा वर्किंग मटेरियल में ही कर सके। चलिए इतना क्लियर है रिवर्स ट्रिक पे जाना है करिए चलिए रिवर्स ट्रिक पे करते हैं ए यहां पे क्या बोला ए 12 अभी देखिए 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी ठीक है और इसका प्रोपोर्शन क्या है 3:2 अभी समझना टोटल कॉइन कितने हैं 23 कॉइन्स ओके। अभी आपको ए में आंसर क्या दिया 12 आपको क्या पूछा है 1 रुपी का कॉइन कितना मतलब मान लीजिए यहां पे 12 आंसर आ रहा है तो 3 पे 2 3:2 तो 12 पे कितना होगा मतलब 3 पे 12 होगा तो 2 पे कितना 8 होगा ये 20 हो गया टोटल 20 हो गया ना तो 5 रुपी का कितना कॉइन हुआ 3 हुआ ना तो 12 × 1 प्लस 8 × 2 प्लस 3 × 5 क्या 43 हुआ अगर हाँ ये आंसर सिंपल 12 रुपी प्लस 16 रुपी प्लस 15 रुपीज 43 सही है ए इज द आंसर इतना सिंपल हो जाएगा। मतलब एक बात सोच लेना कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिवर्स ट्रिक से फटाफट हो जाएंगे आसानी से हो जाएंगे। अभी हमने देखिए नॉर्मल में कितना x एज्यूम करके आगे जाके हमने कैलकुलेशन किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन रिवर्स ट्रिक से ही करना मतलब आपको सिर्फ रिवर्स ट्रिक से ही आए ऐसा भी ना होना चाहिए मतलब नॉर्मल टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है ठीक है बट जब आपको फटाक से करना है एग्जाम में तो एट दैट टाइम This will help you. Okay. Okay, सही है. Shall we go ahead then? 40. If
A by B equal to 2 by 3, B by C equal 4 by 5, C by D equal 6 by 7, then A is 2D. अभी देखिए हमें क्या चाहिए A is 2D, बराबर, तो A into B, A by B into B by C into C by D, BB cancel, CC cancel, आएगा क्या A is 2D. तो यहां पे ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंपाउंडेड रेशियो ये है, ओके, 2 by 3, 4 by 5, 6 by 7, simplify this, 3, 2 is a, ओके, और कुछ, no, 16 by 35, 16 is to 35, 40 में आंसर आएगा, 16 is to 35, is it, C, सही है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 कॉइंस 10 कॉइंस इज 8:15, वैल्यू ऑफ 5 कॉइंस इज 360, देन नंबर ऑफ 10 कॉइंस विल बी, मतलब ये सारी घुमा फिरा के जितना भी पूछना था सब पूछ रहे हैं. अभी देखिए क्या पूछा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आ नंबर, मतलब 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन का रेशियो क्या 8:15 है, वैल्यू ऑफ फाइन कॉइन इज 360. अरे सही है, अगर 5 रुपीज की कॉइन की वैल्यू 360 है, मतलब नंबर मिल गया ना आपको, रुपीज 368, सही है, डिवाइडेड बाय 5 कीजिए कितना होगा 72, तो ये 72 है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, मतलब 8 पे 15, 72 पे कितना, 72 इंटू 15 बाय 8, 135, आंसर सी आएगा, ये सबसे आसान तरीका. अभी आप बोलो नहीं ये ऊपर से गया समझ में नहीं आया, अभी समझो यहां पे 360 रुपीज है 5 रुपी कॉइन के, उसको डिवाइड किया तो 5 रुपए के 72 कॉइन आए, रेशियो कितना है इन दोनों का 8:15, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए, ये 5 रुपी कॉइन है मतलब ए, 10 रुपी कॉइन है मतलब बी, इसका रेशियो क्या है 8:15, ओके, तो 5 रुपी कॉइन कितना है 72, तो 10 रुपी कॉइन कितना होगा, तो बी इक्वल टू 72 इंटू 15 बाय 8, ऐसे ही आएगा क्या, हाँ 135, ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ 1/3, 1/5, 1/x, ये सब प्रोपोर्शन में है, x की वैल्यू क्या, सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को इक्वल करे, 1/2 इंटू 1/x मस्ट बी इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5, सिंप्लीफाई 1/2x equal to 1/15, cross multiplication, 15/2 equal to x, A, हाँ तो भी चलेगा ना, नहीं, इनवर्ट एंडो, सेम ही रहेगा, हाँ वो तो ऑब्वियसली 1/1/1, इज इट ए क्लियर है, 15/2 43, पीस टू क्यू इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो, ये हो गया ना, वापस आ रहा है बार बार क्या, सेकेंड सेकेंड, और वहां पे भी मैंने रेफरेंस दिया, वो वापस से किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 20 हमने किया था ना, एक्सरसाइज 1A उसका 20, हाँ रिपीट करते हैं, और एक बात मैं बता दूं, जिसको भी जून 22 का पेपर टफ लग रहा है, ओके, अभी मैं जून के यहां पे क्वेश्चंस ऐड करने वाला सभी में, ओके, and I must tell you,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट एग्जाम और एमटीपी के आए थे, पास्ट एग्जाम और एमटीपी। अभी स्टूडेंट को टफ क्यों लगा, क्योंकि आपने इतने सारे पास्ट एग्जाम एमटीपी सब कुछ नहीं किया था, सबको टफ लगे। वरना मेजोरिटी, हाँ दो चार क्वेश्चन थे थोड़े ट्रिकी, बट बाकी सब आप देख लीजिए मेजोरिटी रिपीट हुए। ओके वाई नॉट देन अपलोड कर दिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर टू यही है और एक्सरसाइज वन ए का 20। ओके रिपीट। चलिए यहां पे 44 ये सही है। ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस इक्वल टू 7:8:9। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18। देन What is A is to B is to C? एक दो मिनट छोड़ो, अगर नॉर्मल पे जाओगे ना तो तीन चार मिनट तो पक्की लगने वाली। ओके तो यहां से सबसे आसान तरीका क्या, ओके वाला। अभी यहां पे देख लीजिए रिवर्स ब्रेक, A is to B is to C है, मान लीजिए वो 5:4:3 है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमें क्या कंसीडर करना है कि ए बी सी 5K 4K 3K है, 5K 4K 3K, मतलब अभी के को साइलेंट में रखें। ए क्या है 5, बी क्या है 4, सी क्या है 3, इज दैट क्लियर। तभी सीधा ही पुट कर दीजिए वैल्यू को, 5+4 9 रॉन्ग। B, A, B, C, 3, 4, 5, 3+4 7 करेक्ट, B प्लस C, 4+5 9 नो इनकरेक्ट, सही नहीं है। A इज टू B इज टू C, 4:3:5, A, B, 7 करेक्ट है, B, C, 8 करेक्ट है, A, C, 9 करेक्ट है, तो C इज द आंसर 4, 3, 5। अभी आप बोलोगे सर यहां पे A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 होना चाहिए, ये 4, 3, 5 ए बी सी की वैल्यू नहीं है, वो क्या है 4K 3K 5K। अभी K की वैल्यू हमें पता और इट में हैपन कि वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप नॉर्मल नहीं करोगे, तो इसको इग्नोर करें। वैसे भी आप देखो ये पहला ही क्राइटेरिया जो है सिर्फ इसमें सही हो रहा है, बाकी ये तीनों में पहला क्राइटेरिया गलत हो रहा है तो सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं, इग्नोर करो उसको। क्लियर है, सी इज द आंसर। आरटीपी मार्च 22, ये आरटीपी क्या है, एमटीपी होना, आरटीपी नहीं आते। हाँ चलिए नेक्स्ट 3x। अभी यहां पे तो बहुत सही है समझना, मतलब नॉर्मल करना है नॉर्मल भी करूंगा, बट रिवर्स ट्रिक तो कितना आसान है, समझ ले समझ ले। ये क्या बोला 3x-2/5x+6, ये क्या है 2, 3 का डुप्लीकेट रेशियो, मतलब इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, तो 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो। ओके तो 3x-2/5x+6 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट नहीं सॉरी,
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट रेशियो मतलब 2:3 का स्क्वायर करेंगे तो वो इतना आएगा। हाँ मतलब ये डुप्लीकेट करें 4/9 तो इतना आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है। अब या तो आप सिंप्लीफाई करें नॉर्मल तरीके से, या फिर यहाँ पे दिया तो है एक्स की वैल्यू 2 है, ओके 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या 4/9 आ रहा है, देख लीजिए एक बार क्यों नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं आ रहा है, तो ए इज नॉट द आंसर, ये ए आंसर नहीं है। चलिए बी चेक करते हैं, 3 × 6 − 2/5 × 6 + 6 = 4/9। चेक करो 18 − 2 = 16, 36, 4/9, 4 × 4 = 9, 4 × 4 = 9, सही है, बी इज द आंसर। नॉर्मल वे से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 3x − 2 − 4 × 5x + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू 6 ही मिलेगी, इज इट, शुड बी गॉट देन। ऐसा भी क्वेश्चन था कि नहीं, कहां पे कहां पे, मॉड्यूल मॉड्यूल में, क्वेश्चन पेपर में तो होगा ही। ये भी था देखिए, 15/2 हमने किया था, ये देखिए a by addendo करके हमने किया था value of। चलिए करते हैं यहाँ पे, no problem। तो मैंने पहले भी बोला आपको ये 7k 4k 11k हो जाएंगे, 7k 4k 11k divided by 11k, तो इसकी value क्या होगी, 22k/11k मतलब 2a। अब यहां पे देखिए, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर 7 और 11, इफ 7 बी एडेड, ये 7x 11x है, उसमें आप 7 ऐड करो तो न्यू रेशियो आएगा 2/3। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करो, ये नॉर्मल तरीका, पहले x की वैल्यू फाइंड करो, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसका प्रोपोर्शन करो, तो ये दो नंबर्स मिलेंगे, सही है। या फिर सीधा ही कर ले, कैसे कैसे, आंसर ए, इसको सॉल्व करें नॉर्मल तरीके से, या फिर रिवर्स टिक करें, ए 49 77, इन दोनों में +7 + 7 करें, क्या इसका रेशियो 2/3 आ रहा है, चेक कीजिए, क्या इसका रेशियो 2/3 आ रहा है, चेक कीजिए, 56/84, 49 77 दो नंबर आ गए, ये सही है। अरे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कई सारे स्टूडेंट को क्या, ये 56/84 है, इसको 2/3 में कन्वर्ट करना नहीं आता, तब आ जाना चाहिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, 56/84 कैलसी पे, 2/3 कैलसी पे हो जाएगा 0.666666667। तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब आंसर है सिंपल। फिर आप मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, करते जाएंगे, इट गोज ऑन। नेक्स्ट 48,
नाइस क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन. The ratio of two numbers are 3:4. The difference of their square is 48. Greater number is. अब यहाँ पे देखिए, समझना. Reverse trick से हम करते ना तो आसानी से हो जाता वैसे, क्योंकि reverse trick में दो नंबर देते, दो नंबर का रेशियो निकालते और दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस कर लेते, वैसे हमने किया था. बट यहाँ पे दो नंबर ही नहीं दिए आपको, सिर्फ क्या दिया, ग्रेटर नंबर दिया, मतलब एक ही नंबर दिया. अभी कैसे रिवर्स ट्रिक करोगे? ओके, रिवर्स ट्रिक भी होगा, रिवर्स ट्रिक भी होगा यहां पे, ऐसा नहीं नहीं हो सकता. ओके, कैसे? आपको क्या बोला है, ग्रेटर नंबर, एक 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 लेसर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है, ठीक है. तो यहां पे दोनों का रेशियो क्या है, 3:4. ओके, लेट अस से ए और बी दो नंबर है, इक्वल टू 3/4, मतलब ये बी ग्रेटर है और ए स्मॉलर है. अभी यहां पे आपको क्या दिया है, ए, तो मान लीजिए कि ये नंबर 8 है. क्या है, 8, ठीक है. तो ए क्या होगा, स्मॉलर नंबर, 6 होगा. तो अब ये काम कीजिए, 8² - 6² दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना, 8, सही ए आंसर. रिवर्स ट्रिक में तो एक नंबर में भी निकलेगा, रिवर्स ट्रिक कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है. तो आप बोलो नहीं सोल्व करना है, नॉर्मल ट्रिक पे जाना है, थोड़ा लंबा पड़ेगा. अभी देखिए रेशियो क्या है इन दोनों का, 3:4, मतलब लेट अस अज्यूम ये एक्स वाई है, तो 3/4 ऐसा होगा. फिर क्या करेंगे, y² - x² = 28. तो अभी यहां पे आपको क्या करना है, x की जगह पे 3/4y लिख दीजिए, फिर यहां पे पुट कीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर y की वैल्यू फाइंड कीजिए. फिर किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखिए, फिर x की वैल्यू फाइंड, नहीं, y की वैल्यू मिल गई, आंसर आ गया, क्योंकि हमें तो वो ग्रेटर नंबर ही चाहिए. हाँ, तो y मिलना है, बट थोड़ा लेंदी होगा, हो जाएगा, वैसे आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 8, बट ये सही है. क्लियर है? ओके, 49. प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो ऑफ 7:9. प्राइस ऑफ मोपेड 600 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर, देन प्राइस ऑफ मोपेड इज, सेवन नाइन रेशियो है. अभी देखिए यहां पे, इसको भी यहां पे ले लेते हैं. स्कूटर और मोपेड का रेशियो क्या है प्राइस का, 7:9. अभी प्राइस मोपेड की कितनी है, मोपेड की कितनी है, 600 मोर देन दैट ऑफ, चलिए स्कूटर को x एज्यूम कर ले, तो ये x प्लस 1600 होगा, तो ये 7/9, सिंप्लीफाई दिस, 9x 7x, 1600 × 7, सॉरी 1 1 1 1 2 0, राइट. हाँ, तो 2x = ये क्या आया अभी यहां पे, 5 6 0 करके भी आंसर टिक मत कर देना. ओके, x हमने किसको एज्यूम किया था, प्राइस ऑफ द स्कूटर, पूछा क्या है, मोपेड. ओके, तो ये स्कूटर आया ना, मोपेड की प्राइस क्या है, इससे 1600 ज्यादा है, मतलब 7200, मतलब आंसर नंबर ए सही है. रिवर्स ट्रिक,
सिंपल है क्या? मोपेड की प्राइस आपको बोला है 7200, तो स्कूटर की प्राइस अब यहां पे सिंपल समझिए, अगर मोपेड की प्राइस स्कूटर से 600 ज्यादा है तो स्कूटर की प्राइस मोपेड से 600 कम है, ऐसा ऑब्वियसली राइट। तो यहां पे स्कूटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 7200 माइनस 1600 5600 रेशियो 7:9 सही है आंसर है रिवर्स। ओके चलिए 50 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नवंबर 20 में आपको पूछा था, चलिए करते हैं a बाई बी इक्वल टू 3/7। ओके ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल का ही है इजंट इट। यहां पे क्या करेंगे, a की जगह पे 3k को साइलेंट करें 3, 2, 7, 4, 3, 5, 7, 9 plus 14, 23, 12 plus 23 is to 47, A is the answer. इतना क्लियर है? ओके सही है। चलिए आज 50 क्वेश्चन हो गए टोटल, 30 और 20 आज। अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब हम साथ में करने वाले हैं, रिमेनिंग जितने भी पेंडिंग है वो एक अभी एक और लेक्चर लगेगा उसका, उसमें मैं वो लास्ट अटेम्प्ट वाली जो है जून 22 उसके भी क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, तो दो और क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएंगे जून 22, वो भी अच्छे थे, मतलब इजी थे, ऐसा कुछ था नहीं नया। ओके चलिए।